सुषमा स्वराज ने भी इस पर आजम खान पर हमला करते हुए सपा पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह को ट्वीट कर उनके मौन रहने पर टिप्पणी की है। सुषमा ने मुलायम को समाजवादी पार्टी का भीष्म पितामह कहते हुए लिखा है कि सपा पार्टी के पितामह आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, इस पर आप मौन रहने की भूल न करें। दरअसल आजम खान ने रविवार को जया प्रदा के कपड़ों को लेकर अभद्र टिप्पणी करी थी, जिस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वे रामपुर से 9 बार विधायक रहे हैं, वे जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये साबित कर दे कि मैंने किसी का नाम लिया और उस पर टिप्पणी की तो मैं चुनाव से हाथ पीछे कर लूंगा। आजम खान ने जया प्रदा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसको हम उंगली पकड़कर रामपुर लाए और 10 साल जिसने अपना प्रतिनिधित्व करवाया उसकी असलियत समझने में 17 साल लग गए। मैं 17 दिनों में पहचान गया था कि इनके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है। इस बयान के बाद भाजपा ने आपत्ति जताई है। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा ने सपा उम्मीदवार आजम खान पर तंज कसते हुए कहा था कि मैं तो आजम खान को अपना भाई मानती थी, किंतु वे मुझे बहन बुलाने के साथ मेरे बीमार होने की भी कामना करते रहे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।